हेलो एवरीवन, मैं मास्टर हिमलता। आज हम बात करेंगे एंजल चैम्बरलेन जी की। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप एंजल थेरेपी नाम का लिंक देख सकते हैं और स्टार्टिंग से इस वीडियो को आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग से फर्स्ट पार्ट से आप इसको देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं एंजल चैम्बरलेन जी की। वो जो भगवान को देख सकता है, इनके अर्थ का नाम का अर्थ है कि जो भगवान को देख सकता है, और जो भगवान को देख सकता है वो सब कुछ देख सकता है। मेरे हिसाब से उसको सब दिखाई देता है। भगवान को देखना, समझना, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो जो भगवान को देख सकता है वो सब कुछ समझ सकता है। इनके नाम कैमिल, कैमियल, कैमेनल, जमील और कामिल भी हैं। ये इस चीज़ की केयर करते हैं कि आप शांति में रहें। जो भगवान को देख सकता है तो वो ये भी देख सकता है कि उनकी खुशी किस में है, और भगवान की खुशी किस में है कि उनके बच्चे जो हैं सब वो खुश हों, शांति में। तो इनका जो मेन काम है वो ये है कि ये देखते हैं कि आप लोग सब शांति में रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें। ये आपको खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में हेल्प करते हैं। अब ये खोई हुई चीज़ एक सेंटेंस है कि खोई हुई चीज़ों को ढूंढने में हेल्प करते हैं। अब आप अपनी नॉलेज को इस खोई हुई चीज़ को कितना डाल सकते हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ है कि आपकी कोई भी चीज़ गुम हो गई है, आपकी कार की चाबी गुम हो गई है, आपका बेलन गुम हो गया है, कुछ भी गुम हो गया है, तो उसे ढूंढना है आपको घर में, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। देखिए, ये तो छोटी छोटी चीज़ें, फिजिकल चीज़ें होती हैं जो हमें इन सब चीज़ों में बिलीव करना सिखाती हैं, क्योंकि आपका जब काम होने लगता है तभी आपको बिलीव होता है, और बिलीव के साथ फिर जब काम करते हैं तो फिर बड़े बड़े काम भी होने लगते हैं। तो ये तो एक चीज़ होगी कि आप कोई भी, आपकी कोई चीज़ खोई हुई है, आप उसको ढूंढने में उनकी हेल्प ले सकते हैं और आपको बहुत जल्दी वो चीज़ मिल जाती है। अब यहाँ पर हमारे मन की शांति भी कहीं खो जाती है, उस शांति को ढूंढने के लिए भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। इनसे आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरे मन की जो शांति है वो कहीं खो गई है, उसे ढूंढने में मेरी हेल्प करो, मुझे मदद करो, मुझे शांति दो। ये क्या सब देख सकते हैं, फाइंडर है, ये फाइंडर एंजल भी कहा जाता है इन्हें। अब कोई समस्या है आपके पास, अब समस्या के समाधान में हमने लास्ट वीडियो में यूरिल जी की हेल्प लेने के लिए भी कहा था, ठीक है, अब बौद्धिक क्षमता बढ़ाते हैं वो हेल्प ही। लेकिन यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा। वहाँ क्या था कि आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, उसमें से कौन सा सॉल्यूशन हम सिलेक्ट करें, ठीक है, वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने, बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत होती है वहाँ। अब यहाँ आपको कुछ समाधान ही नहीं निकल रहा, ऐसा लग रहा है कि ये जो समस्या है इसका समाधान है ही नहीं। लेकिन कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती है जिसमें समस्या का समाधान ना हो। अब कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें आपको लग रहा है कि कोई सॉल्यूशन नहीं है और कोई सॉल्यूशन आए भी नहीं सकता इसका, तो उस टाइम पे आप इनकी हेल्प ले सकते हैं कि हमें वो सॉल्यूशन ढूंढने में हेल्प करो। आप देखिए, सब एंजल्स का मेन वर्क जानकर उससे कनेक्ट कर सकते हैं अपनी बात को, जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। उस उनका जैसे कि एंजल गैब्रियल जी का था कि संदेश देते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ के साथ आप अपनी बात को कैसे जोड़ सकते हैं, उस चीज़ को आपको देखना है। अब यहाँ चीज़ ढूंढने की बात है, तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि हमें समस्या के सॉल्यूशंस हैं हमारे पास। अगर समस्या के सॉल्यूशंस हैं तो हम एंजल यूरियल जी से हेल्प लेंगे कि इसमें से जो बेस्ट है हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाओ और हम इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढें। आप जब आपके पास सॉल्यूशन ही नहीं तो आप ढूंढेंगे कैसे, अपने इंटेलिजेंस को कैसे यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको आईसेट चाहिए देखने के लिए, तो ये एंजल ऊपर से सब देखते हैं, तो ये इनकी हेल्प लेनी है कि सॉल्यूशन निकालो इनका, और उसके बाद हो सकता है आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले, फिर उसमें से हम एंजल यूरियल जी की हेल्प लेंगे कि इसमें से कौन से सॉल्यूशन को हम सिलेक्ट करें। उसके बाद है आपको लाइफ पार्टनर है, आपके जो लाइफ पार्टनर हैं मैरिज के लिए आपको चाहिए कि आप शादी करना चाहते हैं और आपका को मैरिज नहीं हो रही है, आपको आपका लाइफ पार्टनर मिल नहीं रहा है, तो उस केस में आप इनकी हेल्प ले सकते हैं कि हमें हमारा लाइफ पार्टनर ढूंढने में हमारी हेल्प करें। जॉब ढूंढने में आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, और बच्चा, अगर भगवान नगर का बच्चा गुम हो गया, उन्हें ढूंढने में हेल्प ले सकते हैं। आप खुद कहीं खो गए हैं, रास्ता भटक गए हैं, ठीक है, अब ये आप फिजिकली गुम हो गए हैं या इमोशनली गुम हो गए हैं। कई बार होता है ना कि हम डेली लाइफ में इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि हम अपने आप को खोया खोया सा पाने लगते हैं, कि हम चीज़ों में खो गए हैं, हमें
प्यार नहीं मिल रहा, हमारा प्यार कहीं खो गया है, इस तरह की चीज़ होती है, तो वहाँ आप उस टाइम पे आपको फीलिंग आएगी कि किस तरह से, जब आपको कुछ फील होगा कि हाँ मैं खो गया हूँ, मैं अपनी लाइफ में खो गया हूँ, वहाँ पर आपको ये फीलिंग आएगी, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। अपने आप आपके मन में आएगा कि हम खो गए हैं, हमारी शांति खो गई है, हमारा प्रेम खो गया है, हमारा चैन खो गया है, हम कई बार कहते हैं सुख चैन खो गया है। तो ये सब देखते हैं, तो ये चीज़ का स्थान देख लेते हैं, जगह देख कर आपको इन्फॉर्म करते हैं, या आपको वो किसी भी तरह से उस जगह पर लेके जाते हैं। आपके मन की शांति को भी आपको किसी ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ आपको बहुत अच्छा लगेगा, और उसमें फिर बिलीव आ जाएगा और आपको करने लगेंगे। आपके कार की चाबी खो गई है, आपने कहीं ऐसी जगह रख दी है जहाँ आप कभी जाते ही नहीं हैं, वहाँ पर बाई चांस वहाँ कोई काम गए थे तो वहाँ रख दी है, अब आप वहाँ नहीं जा रहे हैं, तो आपको किसी न किसी वजह से, किसी भी तरह से आपको वहाँ लेके जाएंगे, या आपका कोई रिलेटिव वहाँ चला जाएगा तो वहाँ से आपको वो मिल जाएगी। तो कोई भी रीज़न बनेगा, आप उस चीज़ तक पहुँच जाएंगे। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा कनेक्शन अपने आप से होता है, हमारे एंजल से होता है, हमारी आत्मा से होता है। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे दुनियादारी में पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कभी फेल हो जाते हैं, इन सब चीज़ों में फेल हो जाते हैं, इन सब चीज़ों से टूट जाते हैं, खो जाते हैं हम, हमारी आत्मा खो जाती है, हमारा मन खो जाता है, कहीं आत्मा और दिमाग सब आपस में खो जाते हैं, दिमाग को मन नहीं मिलता, मन को दिमाग नहीं मिलता, दोनों को आत्मा नहीं मिलती, तीनों का अलाइनमेंट नहीं होता है। तो उस टाइम पे हम दिल से प्रेयर कर सकते हैं कि हमारी आत्मा को मिलाओ हमसे, वो खो गई है कहीं, हमारी वो दिमाग कहीं खो गया है, अलाइन करो उनको, खो गया यानी कि ढूंढ के साथ मिलाएंगे और अलाइन करेंगे रिलेशनशिप के लिए। ये एंजल रिलेशनशिप में आपकी हेल्प करते हैं। अब रिलेशनशिप में हेल्प कैसे करते हैं, कोई भी समस्या है आपका, जब किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब हो गया, मान लीजिए आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ख़राब है, अब आप अगर डोमिनेटिंग है, ठीक है, और आप एंजल से हेल्प मांग रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इस तरह से हेल्प करेंगे कि आप आपका डोमिनेशन और बढ़ जाएगा, आपकी बात मानने लगेंगे आपके हस्बैंड, या जो भी आप बोलेंगे, बैठो तो बैठेंगे, खड़े हो तो खड़े होंगे, इस तरह की चीज़ नहीं होती है। ये चीज़ होती है जब आप किसी रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए हेल्प मांगते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं कि ये रिलेशनशिप खराब क्यों है, इसमें फॉरगिवनेस की कमी है, इसमें प्रेम की कमी है, इसमें ग्रेटिट्यूड की कमी है, इसमें कार्मिक इश्यू आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इस तरह से वो इन चीज़ों को ढूंढते हैं कि घर में अशांति है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, तो वो इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से केस स्टडी करते हैं, उसके बाद वो देखते हैं। जैसे आप में अगर फॉरगिवनेस की कमी है कि किसी बात को लेकर आपके मन ही मन अंदर तक कुछ बैठी हुई है, आप फॉरगिव नहीं कर पाए, तो वो फिर हमने ये पढ़ा था कि इनके अंडर बहुत सारे एंजल्स काम करते हैं, तब ये एंजल ऑफ फॉरगिवनेस को आपकी हेल्प करने के लिए भेजते हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो रिलेशनशिप सुधरने लगते हैं। कार्मिक इशू होता है तो उस हिसाब से हेल्प करते हैं, तो वो मेन रीज़न निकालते हैं कि क्या है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमारे इशारों पर चले हमारा लाइफ पार्टनर, या हमारे बच्चे हमारे इशारों पर चले, तो ये सब नहीं होता है। मेन इशू, मेन पर्पस क्या होता है जब हम इनसे हेल्प मांगते हैं, तो प्रेम पूर्वक रहें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें सब, और अपने अंडरस्टैंड करके, कभी कोई गलत होता है, कभी कोई गलत होता, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा सही भी नहीं होता, तो जो इंसान गलत है वो दूसरे की बात को समझ के सही ट्रैक पे चले सबके सब, और प्रेम पूर्वक रहें, सब शांति से रहें, प्रोग्रेस करें, लाइफ को इंजॉय करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक जना डोमिनेटिंग होगा और आप उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो रिलेशनशिप वैसे ही अच्छा नहीं चलने वाला है, सिर्फ ऊपर ऊपर से दिखता है कि अच्छा चल रहा है। तो ये मेन चीज़ को निकाल के उस एंजल को आपकी हेल्प करने के लिए भेजते हैं। अब मेरी ये वैसे जो भी क्वेश्चन मेरे पास आता है वो मन में घूमने लगता है, तो फिर मैं उसको डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन एक वीडियो में, पिछली वीडियो में भी कहा था कि 7 वीडियोस हो जाने के बाद, 7 एंजल्स का होने के बाद एक क्वेश्चन आंसर का मैं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर लाइव नहीं हो सकता, मेरा अभी इतना हुआ नहीं है सब्सक्राइबर वगैरह कि मैं लाइव आ सकूँ, तो मैं उन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर दूँगी। तो आपका कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
लेकिन यहाँ मैं एक और चीज़ को हेल्प करती हूँ, डिस्कस करती हूँ। कई बार क्या होता है कि हम एंजल से हेल्प मांगते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और हमें ऑप्शन मिल जाता है, सॉल्यूशन मिल जाता है, वो काम हो जाता है, तो हम कहते हैं कि हमारा काम तो इस तरह से हुआ। लेकिन आप ये सोचिए कि वो सॉल्यूशन एंजल ने ही ला के दिया है आपको। एंजल खुद तो आपके एकदम बनके नहीं आया, एट दी एंड वो एक फिजिकल रूप लेकर आ जाते हैं कई बार, अर्थ एंजल भी हम जिन्हें बोलते हैं, लेकिन वो आपको सही रास्ता दिखाते हैं। एंजल राफेल जी की प्रेयर में मैंने एक शुरू में अपनी प्रॉब्लम का जैसे मेरा सॉल्यूशन आया था स्टेप बाय स्टेप करके, तो मैंने वो डिस्कस किया, अगर आप चाहें तो वहाँ देखें। अब मैं वहाँ पर ये भी बात कह सकती हूँ, ये तो मेरा योगा जो था वो गलत हो रहा था, इस वजह से मेरी प्रॉब्लम बढ़ रही थी, वो योग मैंने ठीक कर दिया तो वो हो गया। लेकिन अब वो रास्ता, वो प्रॉब्लम कहाँ है, वो भी तो उन्होंने दिखाया है, ये चीज़ है। तो ये एंजल चैम्बलिन जी है, और आपको ये जब आपके आसपास होंगे तो आपके अंदर आपको एक प्रेम की फीलिंग आएगी, ऐसा लगेगा जैसे कुछ मिल गया है, इस तरह की फीलिंग आती है। बाकी आपकी अपनी वाइब्रेशंस हैं, किस तरह से आपको फीलिंग होता है कि, और कई लोग ना इस क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा जाते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारे पास हैं। आप सिर्फ ये जानने की कोशिश ही मत करिए मेरे हिसाब से कि आपके पास हैं या नहीं है, ये बिलीव कर लीजिए कि आपके पास हैं, वो आप उन्हें बुला रहे हैं, वो आपके पास हैं। तो अपने आप जैसे जैसे कनेक्शन होता जाएगा ना आपको, तो आपको पता फीलिंग आता जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।